हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला टॉपिक है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोल्ड्स इन इंडिया। हमारे देश में कोल्ड्स का स्ट्रक्चर कैसा है? तो अब हमने जैसे डिस्कस किया था कि देश में किसी भी आदमी को अगर ऐसा लगता है कि उसके राइट्स छीने गए हैं तो वो आदमी देश की कोल्ड्स में आ सकता है, अपनी बात रख सकता है। अब बात सुनने में तो ठीक लगती है, लेकिन अब जब आप कहते हो कि इतने बड़े देश में कोई भी आदमी कोर्ट में जा सकता है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको जगह जगह पे कोर्ट्स बनानी पड़ेंगी, ठीक है, कि किसी भी आदमी के साथ कोई गड़बड़ हो तो वो अपने आसपास की कोर्ट में जा सके। तो अब इस वजह से देश में बहुत सारी कोर्ट्स हो जाएंगी। तो अब एक सिस्टम की ज़रूरत होगी कि इन कोर्ट्स का एक स्ट्रक्चर बनाया जाए। तो हमारे देश में इन तमाम कोर्ट्स का एक स्ट्रक्चर बनाया गया। तो हमारे देश के कोर्ट्स का स्ट्रक्चर मैं अगर आपको ऊपर ऊपर से समझाऊं, तो ये एक पिरामिडल शेप में काम करता है ये सिस्टम, और इसके तीन लेवल्स हैं। जो सबसे लोअर लेवल के जो कोर्ट्स हैं इनको कहा जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और ये सबसे लोअर लेवल के कोर्ट्स होते हैं और ये काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। देश की हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई कोर्ट होगा, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं। इसके ऊपर जो कोर्ट्स होते हैं इनको कहा जाता है हाई कोर्ट, और ये होते हैं स्टेट लेवल पे, यानी कि किसी भी स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा और इस हाई कोर्ट के अंडर उस स्टेट की जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे। अगर देखा जाए तो हमारे देश में 24 हाई कोर्ट्स हैं, और इसके अलावा जो सबसे ऊपर जो है वो है सुप्रीम कोर्ट, और ये सिर्फ एक ही है जो कि है दिल्ली में। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है एक तरीके से अगर देखा जाए। अब इसी चीज़ को हम लैंग्वेज में पढ़ते हैं। ऑन द लोवेस्ट लेवल आर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स विच आर इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स एंड तहसील्स ऑफ द कंट्री। तो जो लोवेस्ट लेवल है, जो सबसे नीचे का जो लेवल है, वो किसका है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का। सबऑर्डिनेट, ये अगर आप वर्ड ही देख लो तो सबऑर्डिनेट का मतलब होता है असिस्टेंट, यानी कि जो आपसे थोड़ा लोअर लेवल या फिर लोअर पोजीशन में हो, सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो जो लोवेस्ट लेवल पे जो कोर्ट्स हैं उन्हें कहा जाता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और ये कहाँ कहाँ हैं? हमारे देश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में या अलग अलग तहसीलों में। There are various names for these courts like trial court, court of district judge, additional sessions judge, chief judicial magistrate, etc. इतने तमाम नामों से अब हमारे देश में अलग अलग स्टेट में आप जाएं तो इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है। किसी स्टेट में ट्रायल कोर्ट कहा जाता है, किसी स्टेट में इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाएगा, कहीं पे एडिशनल सेशंस जज कहा जाएगा, कहीं पे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहा जाएगा। तो अलग अलग नाम है इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के। ऑन दी अपर लेवल टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर हाई कोर्ट्स ऑफ एवरी स्टेट। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर के लेवल में है हाई कोर्ट्स, जो कि है हर स्टेट में। ईच स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट विच इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है जो कि उस स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट होता है, ठीक है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। हाई कोर्ट्स वर फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन द 3 प्रेसिडेंसी सिटीज ऑफ कैलकटा, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1862। अब हमारे देश में अगर अदालतों के सिस्टम की बात करें तो अदालतें सबसे पहले स्टार्ट करी थी ब्रिटिशर्स ने। अब ब्रिटिशर्स हमारे देश में जब आए थे, उन्होंने रूल करना शुरू किया था, तो उन्होंने जो सबसे पहले 3 शहर जो बसाए थे वो 3 शहर थे कैलकटा, बॉम्बे और मद्रास। शहर बसाए थे इसका मतलब कि उन्होंने इन शहरों को अपना गढ़ बनाया था और फिर इन्हें डेवलप किया था अपने हिसाब से, और इन शहरों में उन्होंने सबसे पहली हाई कोर्ट्स बनाई थी 1862 में, ठीक। और ये 3 शहर उस टाइम पे प्रेसिडेंसी सिटीज कहे जाते थे, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के गढ़ हुआ करते थे ये 3 शहर, कैलकटा, बॉम्बे एंड मद्रास। आज के टाइम में कैलकटा का नाम फिर कोलकाता कर दिया गया, बॉम्बे का नाम मुंबई कर दिया गया, मद्रास का नाम चेन्नई कर दिया गया। करेंटली देयर आर 24 हाई कोर्ट्स। पंजाब एंड हरियाणा शेयर अ कॉमन हाई कोर्ट एट चंडीगढ़। हमारे देश में फिलहाल 24 हाई कोर्ट्स हैं। अब हमने क्या पढ़ा? हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा,
लेकिन अब हमारे देश में स्टेट कितने 29 और हाई कोर्ट कितने 24, यानी कि कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनमें शेयरिंग चल रही है हाई कोर्ट्स की। ठीक है, अब जैसे कि पंजाब एंड हरियाणा शेयर अ कॉमन हाई कोर्ट एट चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा ये दो अलग अलग स्टेट हैं, लेकिन इन दोनों की एक हाई कोर्ट है जो कि चलती है चंडीगढ़ से। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश हैव अ कॉमन हाई कोर्ट एट गुवाहाटी। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं असम के, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन सब की एक कॉमन हाई कोर्ट है जो कि है गुवाहाटी में। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना हैव अ कॉमन हाई कोर्ट, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो नया स्टेट बना है इनकी भी कॉमन हाई कोर्ट है। ऑन द टॉप इज सुप्रीम कोर्ट, इट इज प्रिसाइडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट इज इन न्यू दिल्ली एंड वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 26 जनवरी 1950। अब जो सबसे ऊपर के लेवल पे कोर्ट है वो है हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट। नाम से ही पता चल रहा है सुप्रीम, यानी कि जो सबसे सुपीरियर हो। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो प्रिसाइड करते हैं यानी कि जो बैठते हैं वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जितने भी बाकी कोर्ट में जो जज होते हैं उन्हें कहा जाता है जस्टिस, और जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठते हैं इन्हें कहा जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। द सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, और इसे एस्टेब्लिश किया गया था 26 जनवरी 1950 में। ये वही दिन है जिस दिन हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था और हमारा देश एक रिपब्लिक बना था, एक प्रॉपर रिपब्लिक, यानी कि जहाँ पे लिखे हुए कानून हो, और इस वजह से उसे कहा गया रिपब्लिक डे। अ पर्सन कैन अपील टू एनी हायर कोर्ट इफ दे बिलीव दैट द जजमेंट पास्ड बाय द लोअर कोर्ट इज नॉट करेक्ट। अब मान लीजिए किसी आदमी के साथ कोई क्राइम हुआ, कुछ भी ऐसा वॉयलेशन ऑफ राइट्स हुआ, वो आदमी गया कोर्ट में। कोर्ट में कौन सी कोर्ट में गया, सबसे पहले वो जाएगा सबॉर्डिनेट कोर्ट में। ठीक, सबॉर्डिनेट कोर्ट में वो गया, उसने अपना केस लड़ा, और मान लीजिए सबॉर्डिनेट कोर्ट से जो फैसला आया वो फैसला उस आदमी को सही नहीं लगा, उस आदमी को लगा कि यार मुझे अभी जस्टिस नहीं मिला है, तो अब उसके पास दोबारा से चांस है कि वो हायर कोर्ट में जा सकता है। सबॉर्डिनेट कोर्ट में अगर उसके फैसला ठीक नहीं लगा वो जा सकता है दोबारा हाई कोर्ट में। डिसीजंस मेड बाय एनी हायर कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन लोअर कोर्ट। अगर कोई हायर कोर्ट फैसला कर दे तो वो बाइंड करता है लोअर कोर्ट को, यानी कि हाई कोर्ट अगर कोई फैसला दे तो वो फैसला हावी रहेगा सबॉर्डिनेट कोर्ट के फैसले पे। तो इस वजह से किसी आदमी को सबॉर्डिनेट कोर्ट का फैसला नहीं पसंद आया तो वो अपील कर सकता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट जो उसे फैसला देगा अगर उसे वो भी पसंद नहीं आया तो वो उसी केस को ले जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला दिया अगर उसे तब भी वो पसंद नहीं आया तो अब उसके पास कोई चारा नहीं। अब हमारा अगला टॉपिक है व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम। हमारे जो लीगल सिस्टम है, जो कानूनी सिस्टम बनाया गया है, जो कानून बनाए गए हैं, उसकी अलग अलग ब्रांचेस क्या हैं। तो अब जो कानून है, कानून को बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। अब इन दोनों को अलग अलग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्रिमिनल लॉ। नाम से ही पता चल रहा है क्रिमिनल लॉ, यानी कि जो आपराधिक केसेस से जुड़े हुए कानून हैं वो सब आएंगे क्रिमिनल लॉ में। इट डील्स विद द एक्शंस दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसिव और क्रिमिनल। ये उन एक्शंस से रिलेट करता है जिन्हें कानून के मुताबिक ऑफेंसिव माना गया है या फिर क्रिमिनल माना गया है। ठीक है, ऐसे जितने भी काम हैं जिन्हें अपराध माना जाता है वो सारे केसेस आते हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर, जैसे कि थेफ्ट, मर्डर, किडनैपिंग, चोरी करना, किसी का खून करना, किडनैपिंग करना, रेप करना, ये सब तमाम जितने एक्शंस हैं इन एक्शंस को क्राइम माना गया है, अपराध माना गया है। तो इन एक्शंस से जुड़े जितने कानून हैं ये सब क्या है, क्रिमिनल लॉ में। इट यूजुअली बिगिंस विद द लॉन्चिंग ऑफ एन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि FIR विद द पुलिस हु इन्वेस्टिगेट्स द क्राइम आफ्टर विच अ केस इज फाइल्ड इन द कोर्ट। अब जब भी कोई क्राइम होता है, जब भी कोई अपराध होता है, तो सबसे पहले काम क्या होता है, आपको दायर करनी पड़ती है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट।
नाम से ही पता चल रहा है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि आपने इंफॉर्मेशन दिया है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन दिया है पुलिस को, ठीक, कि ऐसा ऐसा हुआ है। और जब पुलिस के पास अब इंफॉर्मेशन है तो अब पुलिस क्या करेगी, उस चीज में इन्वेस्टिगेट करेगी कि अच्छा हुआ क्या है उस क्राइम में। इफ फाउंड गिल्टी अक्यूज्ड कैन बी सेंट टू जेल एंड ऑल्सो फाइंड। गिल्टी का मतलब होता है कसूरवार और अक्यूज्ड का मतलब होता है जिसपे इल्जाम लगे हों। तो अगर जिस आदमी पे इल्जाम लगे हों वो आदमी कसूरवार साबित हो जाता है तो हो सकता है उसे जेल भेजा जाए, हो सकता है उसको फाइन भी किया जाए, हो सकता है उसे के साथ दोनों किया जाए कि जेल भी भेजा जाए फाइन भी किया जाए। तो ये सारे केसेस होते हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर। और याद रखिएगा क्रिमिनल लॉ शुरू किससे होता है, FIR से। अब अगला सिस्टम ऑफ लॉ है सिविल लॉ। सिविल लॉ यानी कि सामाजिक कानून। इट डील्स विद एनी हार्म और इंजरी टू द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। जब भी किसी इंडिविजुअल के राइट्स छीने जाएं या उसके राइट्स का वॉयलेशन हो वो तमाम केसेस आते हैं सिविल लॉ के अंदर। जैसे कि डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द सेल ऑफ लैंड। अब जमीन खरीदने बेचने को लेकर जो विवाद होता है, कोई आदमी कहे कि इस आदमी ने मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया या कुछ भी ऐसे केस होते हैं, तो ये अपराध नहीं है। कायदे से देखा जाए तो सामने वाले आदमी ने कोई चोरी नहीं करी, कोई डकैती नहीं करी, रेप नहीं किया, किडनैपिंग नहीं करी, कोई क्राइम नहीं किया है, लेकिन उसने जमीन पे कब्जा कर लिया है या तो फिर उसने अब परचेज ऑफ गुड्स सामान खरीदने बेचने को लेकर कोई विवाद हो गया या रेंट मैटर्स किराए देने को लेकर कोई विवाद हो गया, जो किराएदार और मकान मालिक में जो वो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। इसके अलावा जो डिवोर्स केसेस होते हैं कि हस्बैंड वाइफ अब तलाक लेना चाह रहे हैं, तो ये सब जो डिस्प्यूट्स ही हैं ये सब, लेकिन ये डिस्प्यूट्स क्रिमिनल नेचर के नहीं हैं, यहाँ कोई अपराध नहीं हुआ है, बस डिस्प्यूट हो रहा है, तो ये सब आते हैं सिविल लॉ के अंदर, यानी कि जो सामाजिक कानून है। A petition has to be filed before the relevant court by the affected party only. अब criminal law कहाँ से शुरू होता था? FIR से। अब civil law जो है, जो ऐसे cases जो सामाजिक कानून में आते हैं, जमीन खरीदने बेचने को लेके, किराए से related, divorce cases से related, या ये सब शुरू होते हैं petition से। और petition कौन दायर कर सकता है? Affected party only। जिस party, जो पार्टी झेल रही है, ठीक, जिसका नुकसान हो रहा है, वो पार्टी एक पेटीशन दायर करती है। इन द रेंट मैटर्स ईदर द लैंडलॉर्ड और द टेनेंट कैन फाइल अ केस। अब जो रेंट मैटर्स होते हैं, यानी कि जो किराएदार और मकान मालिक वाले जो केसेस होते हैं, उसमें जो विवाद होता है, लैंडलॉर्ड यानी कि मकान मालिक एंड टेनेंट यानी कि किराएदार, तो उन सारे केसेस में या तो फिर मकान मालिक या फिर टेनेंट या किराएदार कोई भी आदमी फाइल कर सकता है ये पिटीशन। द कोर्ट गिव्स अ स्पेशल रिलीफ आस्क्ड फॉर। फॉर इंस्टेंस द कोर्ट कैन ऑर्डर अ प्लेस टू बी वैकेटेड एंड पेंडिंग रेंट टू बी पेड। अब ऐसे जो केसेस होते हैं जहां सिविल लॉ वॉयलेट हुआ है और लोग पिटीशन दायर करते हैं कोर्ट में, यहां कोर्ट कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी स्पेशल रिलीफ दिया जाए। अब जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, रेंट मैटर्स की बात करते हैं, और कोई पेटिशन लेकर जाए कोर्ट में कि ये किराएदार और मकान मालिक वाले जितने भी केसेस होते हैं, द कोर्ट कैन प्लेस ऑर्डर अ प्लेस टू बी वेकेटेड एंड पेंडिंग रेंट टू बी पेड। अब कोर्ट ये ऑर्डर दे सकता है कि जगह को जल्दी से जल्दी खाली करवाया जाए और पेंडिंग रेंट टू बी पेड, जो बचा हुआ जो किराया है उस बचे हुए किराए को भी जल्दी से जल्दी भरा जाए। तो ऐसे स्पेशल रिलीफ या फिर स्पेशल ऑर्डर कोर्ट बहुत जल्दी दे देते हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें आती हैं सिविल लॉ के अंडर, यानी कि सामाजिक कानून के अंडर। अब चलिए फिर, थैंक यू।